केंद्र सरकार अग्निपथ योजना में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी है और इसमें लंबे समय से सेना में अग्निवीरों की स्थायी भर्ती को बढ़ाने की मांग मानी जा सकती है, जिस पर विचार चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार सेनाओं में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत वेतन और योग्यता की शर्तों में तो बदलाव किया ही जा सकता है, साथ ही सेना की स्थायी सेवा में अग्निवीरों का हिस्सा भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक चुनाव से पहले इस योजना में बदलाव किस ओर इशारा कर रहा है? जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी बीच अग्निपथ योजना में बदलाव चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि अग्निपथ योजना शुरू से विवादों में रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इसको मुद्दा भी बनाया था। अब अगर योजना में बदलाव किया जाता है तो सरकार का एक और यू टर्न होगा। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद सेना में स्थायी करने के नंबर्स में बदलाव हो सकता है। वर्तमान तय सीमा बढ़ाकर 50% तक करने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में निर्धारित 25% की सीमा को सेना के विशेषज्ञ भी नाकाफी मान रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि सेना की जरूरतों को देखते हुए 1/4 अग्निवीरों को ही स्थायी करना कम है। सेना ने आंतरिक फीडबैक और सर्वे के बाद इस सीमा को बढ़ाकर आधी करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को आगामी चुनाव में फायदा मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पिछले लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर ज्यादा समस्या हुई है जहां पर रक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मचारी सबसे ज्यादा है। एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस योजना की समीक्षा करने की मांग की है। कांग्रेस कह चुकी है कि सरकार में आने पर अग्निपथ योजना को समाप्त करेगी। ऐसे में सरकार पर इस योजना में संशोधन का दबाव भी माना जा रहा है कि रक्षा सूत्रों का कहना है कि तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने थिएटर कमांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्लूप्रिंट में प्रस्तावित थिएटर कमांड के नियंत्रण और संचालन से संबंधित संरचनाओं की रूपरेखा दी गई है। ये कमांड भारत की सेनाओं को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटकर उनका संचालन करेगा। चुनौतियों से निपटेंगे 3 कमांडर। चीन से निपटने के लिए उत्तरी थिएटर कमान कमान का मुख्यालय लखनऊ में होगा। पाकिस्तान पर केंद्रित पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय जयपुर में बनेगा। हिंद महासागर के लिए मैरीटाइम थिएटर तिरुवनंतपुरम में हो सकता है कमान का मुख्यालय। देश की सीमाओं के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। नई चुनौतियों से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। एकीकृत संयुक्त कमांड की स्थापना का ब्लूप्रिंट। अब आपको बताते हैं कि ब्लूप्रिंट में आखिर क्या है। प्रस्तावित थिएटर कमांड का नेतृत्व 4-स्टार जनरल करेंगे। ऐसा होता है तो भारत के सैन्य नेतृत्व ढांचे में बदलाव होगा। कमांडरों का CDS और सेना प्रमुखों के समान स्तर होगा। अभी सरकार का रुख नियुक्ति के लिए स्पष्ट नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं से भविष्य की चुनौतियों और पड़ोस के घटनाक्रम के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए साझा सैन्य दृष्टि विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में ध्यान केंद्रित करें। तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य और एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। ड्रैगन के पास जहां 5 थिएटर कमांड है, वहीं भारत के पास 17 एकल कमांड है, जो कि अब नए थिएटर कमांड तीनों सेनाओं की मौजूदा 17 एकल कमांड की जगह लेंगे और सभी कमांडो के मुख्यालय भी लगभग तय माने जा रहे हैं। इससे दुश्मन की हर एक चाल पर नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।